మహారాష్ట్రలోని భీమా కోరేగావ్లో అల్లర్లపై సిట్టింగ్ జడ్జ్తో విచారణ జరిపిస్తామన్నారు సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్. మరణించిన యువకుడి కుటుంబానికి 10 లక్షల పరిహారం ఇస్తామన్నారు. పక్కా ప్లాన్తోనే ఈ దాడి జరిగిందన్నారు ఫడ్నవీస్. పోలీసులు పెద్ద సంఖ్యలో స్పాట్లో లేకుంటే పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా మారిపోయేదన్నారు. सब लोगों को वहां से बिन दिक्कत बाहर, बिना किसी दिक्कत के बाहर निकालकर उनके उनके घरों तक पहुंचाने का काम ये पुलिस प्रशासन ने किया है. इस संदर्भ में एक डेड बॉडी भी मिली है और उसको भी हत्या समझकर उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है. और हमने ये तय किया है कि ये जो पूरा इंसिडेंस है एक सोची समझी साजिश के तहत क्या ये किया गया इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पुलिस इतने बड़े पैमाने पर वहां पर नहीं होती तो शायद बहुत गंभीर घटना भी वहां पर घट सकती थी. इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो तह तक हम लोग जाए, और इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच की जाएगी. साथ ही में जो हत्या हुए उसकी सीआईडी इंक्वायरी की जाएगी. हत्या में जो युवक है उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा. साथ ही में जो गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है उसमें भी राज्य सरकार मदद करेगी. और मैंने महाराष्ट्र में सभी को यह अपील की है कि कुछ लोग मिलकर इस प्रकार से जो अफवाह फैला रहे वो अफवाहों के ऊपर लोग विश्वास न रखें, विशेषतः सोशल मीडिया का उपयोग करके बड़े पैमाने पर गलत बयानबाजी गलत अफवाहें फैलाने का काम चल रहा है वो भी न हो, ये भी मैंने सबसे अपील की है. और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मेरी अपील है कि वे अटकलेबाजी न करें और किसी प्रकार के बयान देकर दो समुदाय आमने सामने आए इस प्रकार की कोई भी बात ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न करे. భీమా కోరేగావ్ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు కేంద్ర సహాయ మంత్రి రామ్దాస్ అథవాలే. దళితులను టార్గెట్ చేసి దాడి చేయడం సరికాదన్నారు. చాలా కాలంగా మరాఠాలకు దళితులకు మధ్య గొడవ జరుగుతోందన్నారు. इसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए. जिन लोगों ने जानबूझकर प्लान किया है, मतलब तो दलित समाज पर हमला करने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जानबूझकर जिन लोगों ने हमला किया है उसकी जांच हो और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने कल मुख्यमंत्री से बात किया है, जिला अधिकारी से बात किया है, एसपी से बात किया है और उसकी जांच पूरी हो रही है. तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे किसका राज है. जानबूझकर मतलब दलित समाज को टारगेट करके दलित समाज पर हमला करने की कोशिश हुई है. हम तो मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मांगते हैं, हम मराठा दलित की एकता चाहते हैं और मराठा कम्युनिटी निश्चित तरह दलित समाज को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है.